खुशामदीद मोहतरम नासरीन, आइए बढ़ते हैं आज की इस अहम खबर की जानिब। हज साल 2024 में खुरा अंदाजी के जरिए 22 खुशनसीब खादिमुल हुज्जाज का किया गया इंतखाब। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी शेख लियाकत हुसैन के मुताबिक जुमला 180 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से 25 दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया। मौसूला 155 दरख्वास्तों में से 22 खुशनसीब खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब अमल में लाया गया। हज 2024 के लिए तेलंगाना से 22 खुशनसीब खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब खुरा अंदाजी के जरिए अमल में लाया गया। सेक्रेटरी अखिलियती बहबूद सैयद उमर जलील की मौजूदगी में बतारीख 29 फरवरी बरोजे जुमेरात की सापहर 3 बजे के करीब में दफ्तर हज कमेटी नामपल्ली में खुरा अंदाजी का अहतमाम किया गया। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी शेख लियाकत हुसैन ने तमाम तर तफसीलात बताई और कहा कि हज कमेटी और वक्फ बोर्ड से फीकस 2-2 मुलाजमीन यानी जुमला 4 खादिमुल हुज्जाज के तौर पर रवाना किए जाएंगे। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए सैयद उमर जलील IAS रिटायर्ड ऑफिसर ने मुंतखिब आजमीन हज को मशवरा दिया कि वो आजमीन हज की सदक़े दिल और खुलूस के साथ खिदमत करे और इनकी दुआएं ले। इन्होंने बिलखसूस ज़ईफ़ आजमीन की खिदमत को तरजीह देने की तलखीन दी और खसूसी ख्याल रखने का भी मशवरा दिया। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। करता हूँ और वो लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये प्रोग्राम में शिरकत करे हैं। सबसे पहले मैं तहे दिल से हमारे हानरेबल सेक्रेटरी माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट उमर जलील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी मेरे रिक्वेस्ट पर वो ये खुरा का प्रोसेस देखने के लिए उनके सुपरविज़न पर करना ये मेरी ख्वाहिश थी, तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये हर साल की तरह खादिमुल हुज्जाज को जो भेजा जाता सेंट्रल हज कमेटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनॉरिटी अफेयर्स के डिपार्टमेंट के सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस रूल्स के मुताबिक हर 300 हाजियों को एक खादिम को भेजा जाता। इस साल तेलंगाना का कोटा 7,811 है, 300 के हिसाब से एक एक खादिम को भेजना है तो ये कोटा मिल रहा अपने को 26 खादिमुल हुज्जाज को भेजना है। अगेन 26 का 15% एज़ पर द रूल्स रिजर्व कैटेगरी फॉर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी एज वेल एज तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड। 26 का 15% हो गया 4, यानी 26 - 4 बोले तो 22 खादिमुल हुज्जाज का सिलेक्शन खुर्रा के तहत करना है। जब हम अप्लीकेशन ऑनलाइन कॉल करें इसमें टोटल 180 अप्लीकेशंस आए, 180 अप्लीकेशंस का हम वेरिफिकेशन करें, स्क्रूटिनी करें, जिसमें 25 अप्लीकेशंस को हम रिजेक्ट करें। जैसा कि रिजेक्ट कैटेगरी में 3-4 किस्म के रिजेक्शंस है, जो खादिमुल हुज्जाज के लिए जो पैरामीटर्स बताए गए हैं कि वो गवर्नमेंट सर्विस में रहना, 50 साल के अंदर उम्र रहना, एक मरतबा कम से कम हज या उमरा करे हुए रहना और लास्ट 23 हज में खादिमुल हुज्जाज करके नहीं रहना। जो 23 में खादिमुल हुज्जाज करे हुए हैं उनको चांस नहीं है, जो ऑलरेडी पूरे सर्विस में 2 मरतबा खादिमुल हुज्जाज कर चुके हैं वो लोग भी एलिजिबल नहीं हैं और वुमेन कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ भी एलिजिबल नहीं हैं। तो वो जो है वो तमाम रूल्स को नज़र में रखते हुए हम 25 दरख्वास्तों को रिजेक्ट करें। 180 - 25 हो गया 155 में, जैसा मैं अभी बताया आपको, जो रिजर्व कैटेगरी है हज कमेटी के 2, वक्फ बोर्ड के 2, इसके वास्ते हमारे को 7 अप्लीकेशन वसूल हुए, वो अलग से रिजर्व कैटेगरी का हम वो अलग पूरा कर लेंगे। अब बच गए आपको 155 - 11 यानी 144 एलिजिबल अप्लीकेंट्स है, जिनका लिस्ट हम वहाँ पे बोर्ड पे डिस्प्ले कर चुके हैं आपके फ़ोन नंबर्स के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, आपके ID के साथ। और जो रिजेक्टेड 25 है रिजेक्शन का रीज़न बताते हुए भी वहाँ पे हम डिस्प्ले करे हैं। ये 144 अप्लीकेंट्स में से हमारे को 22 खादिमुल हुज्जाज का सिलेक्शन खुरा के ज़रिए से करना है। 22 + 3 जो है हम वेटिंग लिस्ट में रखना चाह रहे हैं, किसी वजह से ये 22 सिलेक्टेड लिस्ट में है सो वाले किसी वजह से नहीं जा सके तो फिर खुरंदाजी नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये 3 जो वेटिंग में है ये लोगों को अपग्रेड करेंगे। वेटिंग का वेटिंग बोल के डिक्लेयर करके ही करेंगे। पहले आउट ऑफ 144 में से 22 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन आपके नज़र के सामने आपके हाथों से होगा।